गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. गुड मॉर्निंग मैम. गुड आफ्टरनून. गुड मॉर्निंग मैम. 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 गुड आफ्टरनून मैम. मॉर्निंग मैम. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. और अब चैप्टर 7 तक सारे लोग पढ़ चुके हैं. चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी. क्वेश्चन आंसर भी हो गया है. हो गया है ना? तो अभी देख लेते हैं क्या सिनेरियो बनता है. उसके बाद फेयर कॉपी आप लोग की चेक हो जाएगी. फेयर कॉपी आप लोग पूरा कंप्लीट कर लिए सारे लोग, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, उसको कंप्लीट करके चेक कर लेंगे. तुमने लिखा है कि नहीं? क्वेश्चन आंसर लिखा है तुमने? हाँ या ना? हाँ. चैप्टर 1 को रिवाइज कर रहे हैं बेटा हम लोग. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते. किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो मैं पूछू. चल क्या बेटा? नेचुरल. नेचुरल NATUR. म्यूचुअल क्या है? ये म्यूचुअल है. ठीक है, ये बच्चों को नहीं दिख पाएगा. चलिए मैं पूछती हूँ, आप बताएंगे. बुक्स बंद करें सारे लोग. बुक बंद करें, मैं पूछूंगी. सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं. व्हाट इज फैमिली? व्हाट इज फैमिली? क्या नाम है बेटा आपका? तुम्हारा यूशु बताओ. व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. इज दिस डेफिनेशन कंप्लीट? द डेफिनेशन ऑफ फैमिली बोलो. Almost, but not perfect. आप लोगों को ऑनलाइन वाले बच्चों को परेशानी होगी, मैं समझ रही हूँ. आनिध्या क्या परेशानी हो रही है? मैं सब मुझे अनम्यूट नहीं करना है किसी को, लेकिन फिर भी मैं समझ रही हूँ आप लोगों की परेशानी. अगर हम लोग रिविजन करेंगे
बच्चों से पूछेंगे जो ऑफलाइन में बच्चे हैं, आप लोगों से तो पूछेंगे नहीं, तो फिर आप लोगों को थोड़ा नेग्लेक्टेड फील होगा। लेकिन हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन जब साथ चलेगा तो ऑब्वियसली ऑफलाइन वाले बच्चों पे ही ध्यान दिया जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों पे नहीं ध्यान दिया जा पाएगा। आनिधि आप डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, किसी भी बच्चे का डेफिनेशन क्लियर नहीं है। आनिधि मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, आई वाज डिस्कनेक्टेड, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए। आनिधि खुद को अनम्यूट करके आप बता सकती है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इतना बता देती हूँ क्लास में क्या कर रहे हैं। क्लास में हम लोग रिविजन वर्क कर रहे हैं, है ना, और चैप्टर वन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, क्योंकि ये याद रखिए कि क्लास फाइव में आपने जो मार्किंग स्कीम पढ़ा होगा, मार्किंग स्कीम पढ़ा है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें, डिफाइन भी आएगा और डिफरेंशिएट भी आएगा, है ना। डिफाइन आएंगे छोटे छोटे टू मार्क्स के, फाइव डिफाइन आएंगे, पांच आएंगे, और डिफरेंशिएट पांच पांच नंबर के दो आएंगे। तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, दोनों ही आपको करना है ना, डिफाइन और डिफरेंशिएट। आवाज जा रही है मेरी, एक बार मैं इन लोगों से भी पूछ लेती हूँ। आनिधा मेरी आवाज जा रही है क्या? मैम कमिंग आ रही है? यस यस मैम यू आर कमिंग। Ma'am, you are muted. मैं क्लास वर्क दे रही हूँ, बोर्ड मैं कोशिश करती हूँ कि बोर्ड आप लोग को दिखे, और आप लोग भी क्लास वर्क साथ में करिए, कोशिश करिए बेटा कि साथ में आप क्लासवर्क को करिए। नेटवर्क इशू है, प्रॉब्लम है, बार बार कटेगा, लेकिन फिर भी मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। बोर्ड दिख रहा होगा शायद आपको, आनिधा का घर दिख रहा है। चलिए लिखिए बेटा, क्लास वर्क है, क्लास वर्क को करिए। डिफाइन फैमिली, ज्वाइंट फैमिली इसका होगा। चलिए लिख के दिखाइए। क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं।
ये आराम से जो सोच रहे हो तुम लोग, क्या ये याद नहीं है? नहीं याद है तो बुक का हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये 1.5 साल से जो आप लोगों की हैबिट बंद हो गई है उसको शुरू करना होगा, इसलिए क्लास वर्क जरूरी है। क्लास वर्क करिए और दिखाइए, जो ऑनलाइन में भी बच्चे हैं उनसे भी मैं कहूंगी कि 3 डेफिनेशंस जो है वो लिखिए आप लोग, फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड फैमिली, ये 3 जो डेफिनेशंस है उनको लिखिए।